हेलो एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई राजस्थान की फेमस दाल बाटी की रेसिपी। अगर आप राजस्थानी खाने के शौकीन हैं तो उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके जरूर देखेगा। आइए देखते हैं इस दाल बाटी को हम किस तरह से बनाते हैं। ये लिया है मैंने एक बड़ी कटोरी भर के गेहूं का आटा। तो इसमें डालेंगे हाफ चम्मच नमक और चौथाई चम्मच ये लिया है मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वही है ये। और इसमें लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो अजवाइन देखिए इतनी क्वांटिटी मिली है और इसको इस तरह से हाथ से आपको मसल के इसके अंदर डाल देना है। और इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है, घी, सूजी और दही सेम तीनों बराबर क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने एक बड़ी कटोरी भर के आटा लिया है तो चौथाई कटोरी आपको सूजी लेनी है, रवा जिसको कहते हैं वही है ये। और ये है हमारा देसी घी, इसमें घी का ही यूज होगा, इस चीज का ध्यान रखें आप। और इसमें डाला ये दही और सभी चीजों को हाथों से मसल के मिक्स कर लेंगे और इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएंगे। थोड़ा हार्ड आटा लगता है इसका, नॉर्मल रोटी की तरह नहीं लगता। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आप इसका आटा लगा लीजिए। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल लग चुका है और इसको ये ध्यान रखना है आप इस तरह से थोड़ा इसको मसल लीजिएगा, क्योंकि मसलने से बाटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा डो लग के तैयार हुआ है, बस इसी से हमें बाटी बनानी है। तो बाटी आप अपने साइज के हिसाब से छोटा बड़ा साइज ले सकते हैं, आपको कितनी बड़ी बनानी है। ये देखिए मैं तो इतनी साइज की बाटी बना के तैयार कर लूंगी। ये देखिए बाटी के पेड़े हमारे तैयार, बाटिया मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अब इसको आप चाहे तो गैस तंदूर में भी सेक सकते हैं, मैं इसको बनाऊंगी ओटीजी में। तो आइए इसको ओटीजी में रखेंगे। ओटीजी मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। ओटीजी हमारा प्री हीट हो चुका है, अब इसके अंदर मैं रख दूंगी बाटी, सारी बाटी इसके अंदर लगा देंगे। इस तरह से गर्म होता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपका हाथ वाथ न जले। तो आप इस तरह से हैंड ग्लोव्स पहन के ही इसके अंदर रखिए। ये देखिए इस तरह से, अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप इसको तलवा बाटी भी बना सकते हैं, डीप फ्राई करके वैसे भी बन जाती है। ये देखिए अब इसको मैं बंद करके 25 मिनट 150 डिग्री टेम्परेचर पर बेक होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए हमारी बाटी बिल्कुल सिक्के तैयार है, कितना अच्छा सा गोल्डन सा इसका कलर आया है। अब इन बाटी को हम बाहर किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी बाटिया सिक्के तैयार है, इस पे अब डाल दीजिए देसी घी भर के, क्योंकि घी के बिना तो बाटी का स्वाद ही एकदम अधूरा होता है, तो इसमें घी का काफी यूज होता है। अब हम बना लेंगे अपनी दाल। ये लिया मैंने हाफ कप छिलके वाली दाल और 1/4 कप से भी कम चने की दाल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और ये दाल बहुत ज्यादा हेल्थी होती है। तो इन दाल को मैं एक बाउल लेके इसमें हम सोक करने के लिए छोड़ देंगे हाफ एन आवर के लिए। दोनों को मिक्स कर देंगे और इसमें मैं पानी डाल के इसको भीगने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए दाल में 2 विसल आ चुकी थी और दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है। इधर मैंने गैस पे रख दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया है ऑयल। अभी इस दाल को इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और डालूंगी 1 तेज पत्ता बे लीव्स बोलते जिसको, और इसमें डालेंगे हींग करीबन 1/4 चम्मच। हींग से जो दाल का टेस्ट आता है एकदम बहुत ही शानदार होता है, दाल की एकदम रंगत चेंज हो जाती है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और इन सभी चीजों को कुक होने देंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको कुक करेंगे। देखिए जीरा और अदरक हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब ये लिए है मैंने 2 टमाटर जिसको ग्रेट कर लिया है, आप चाहे तो छोटे के पीसेस कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग, सॉरी हल्दी और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और इन मसालों को अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें डालूंगी 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1/4 चम्मच गरम मसाला और इन मसालों को थोड़े से फिर से और पका लेंगे ताकि एकदम अच्छा सा फ्लेवर दाल के अंदर इस मसालों का आए। ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल भी अच्छे से छूट गया है। अब इसके अंदर मिला देंगे दाल जो हमारी अच्छे से कुक हो चुकी थी, दाल को इसके अंदर मिलाएंगे और जितनी जरूरत है उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। काफी गाढ़ी है देखिए, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। ये दाल बहुत ही हेल्थी होती है,
क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। छिलके वाली दाल आप छोटे बच्चे बीमार किसी को भी खिलाइए, बस मसाले थोड़े कम ज़्यादा कर लीजिए। बहुत ही आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई करके देखिएगा, होप यू आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। इसको 2 मिनट हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अच्छे से कुक हो चुकी है हमारी दाल, इतनी परफेक्टली। इस दाल को आप रोटी चावल पराठा, हम लोग दाल बाटी के साथ इसको खाना पसंद करते हैं, बहुत ही मज़ेदार दाल होती है ये। अब इसमें मिला देंगे फाइनली नींबू का रस, टोटल ऑप्शनल है। अगर आप लोग नींबू दाल में नहीं पसंद करते, वैसे सभी लोग करते हैं, तो जरूर डालिएगा। अब इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। ये देखिए दाल भी हमारी तैयार है, इसको भी मैंने बाउल में सर्व किया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा देसी घी और लाल मिर्च का तड़का लगा दूंगी, ताकि देखने में और भी टेम्पटिंग लगे। और आज हमारा राजस्थानी कॉम्बो दाल बाटी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। होप यू आपको पसंद आई होगी। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।